खबर मंदसौर से। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर में शनिवार 4 जुलाई को प्रातः 5 बजे भोपाल से प्रस्थान कर प्रातः 8 बजे भगवान महाकाल उज्जैन के दर्शन किए। तत्पश्चात प्रातः 11 बजे सर्किट हाउस मंदसौर पहुंचे। तय क्रमांक कार्यक्रम अनुसार दोपहर 12:30 पर भगवान पशुपति नाथ के दर्शन करने के पश्चात डंक ने दोपहर 1:30 पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रेस वार्ता की। दोपहर 2 बजे संघ कार्यालय से भेंट एवं दोपहर 2:30 पर भीमा शंकर शास्त्री ग्राम धारिया खेड़ी से भेंट की। दोपहर 3:30 पर हरकिया खाल बालाजी दर्शन किए। वापसी कर रात्रि विश्राम सर्किट हाउस मंदसौर में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का जगह जगह पर स्वागत किया। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। का किसान जो प्रतिशत है उसका बहुत ज़्यादा कृषि क्षेत्र का, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में ज़्यादा ज़्यादा विकास हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और मैं शिवराज सिंह जी चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि जब भी इस मंदसौर जिले ने जो उनसे मांगा है उन्होंने दमदारी से इस क्षेत्र को दिया है, चाहे सिंचाई योजना हो या कहीं डैम हो, सड़कें हों, सब जो शिवराज सिंह जी चौहान ने दिया है। और अब ये सरकार बनी है तो आने वाले दिनों में जो कमी थी उसको भी पूरी करेंगे, क्योंकि हमारे पास देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो विश्व का सबसे लोकप्रिय और विकासवादी है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक सके। शेयर का मतलब होता है कि जिगर, जिनका जिगर था। हमारे यहाँ पर अभी 2 टाइगर हैं, जिगर हैं, एक शिवराज सिंह जी चौहान और सिंधिया जी, दोनों ने अपना जिगर दिखा दिया है। अब उनको बोलने का, सामने वालों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जो हौसले उन्होंने दिखाए हैं, जो भ्रष्ट सरकार थी, दलालों की सरकार थी, जो जिगर उन्होंने दिखाया वो हौसले एक टाइगर की तरह हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ जिसका जिगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए होता है वो सबसे बड़ा बाजीगर होता है। तो टाइगर जिंदा है, सही? टाइगर जिंदा है। टाइगर का मतलब कि टाइगर का अर्थ होता है जिगर वाला बंदा। टाइगर है बहादुर बंदा। मैं तुम ऐसा अच्छी तरह जानते हो कि सरकार किसने पलटी मारी है।